हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है स्क्रीन पर कि जो हरियाणा पुलिस के पेपर में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये पेपर होगा अब सीबीटी। तो पहली बात, सीबीटी क्या होता है? सीबीटी होता है फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब अब ये पेपर ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होगा। तो आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। आपको पेन लेके जाने की जरूरत नहीं, साथ में आपको पेन भी सेंटर वाले ही प्रोवाइड कराएंगे। बाकी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी फ्रेंड्स, लेकिन ये पेपर कंप्यूटर पे होगा। तो जिन लोग जो कंप्यूटर के साथ जो लोग फ्रेंडली नहीं है कंप्यूटर के साथ, जिनको चलाना नहीं आता, तो वो लोग प्लीज कंप्यूटर चलाना सीख लीजिए, एग्जाम देना सीख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि हाँ सर किस तरह से एग्जाम होगा या फिर पूरा प्रोसीजर कैसे रहेगा, तो बता दीजिए, मैं आपके लिए एक सैंपल वीडियो बना दूंगा। सैंपल वीडियो में मैं क्या बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम शुरू होगा, आपको किस तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन बैक करना है, किस तरह से आंसर सेव करने हैं, किस तरह से अगर गलत आंसर मार्क होगी तो उसको रिमूव करना है। तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब आप थोड़ी सी प्रिपरेशन चेंजेस कर लीजिए कि अब पेपर पे नहीं होकर जो एग्जाम है वो पेन पेपर पे नहीं होकर कंप्यूटर पे होगा। पहले एग्जाम क्या होता था, चार गोले में से कोई एक गोला भरना होता था, जो आपको सही लगता था उसको ब्लैक कर देना था। लेकिन अब ये प्रोसीजर खत्म होगा, अब सारा एग्जाम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा। आपको माउस दिया जाएगा और आप कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन जो अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हरियाणा पुलिस के पेपर में चेंजेस किए हैं, वो मैंने आपको बता दिए। और किसी का कोई डाउट या क्वेरी तो प्लीज फ्रेंड्स नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो मैंने एक वीडियो बनाई है हरियाणा की, जो पूरा प्लान है 1 मंथ का, 30 डेज प्लान बनाई है वीडियो, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरियाणा पुलिस के लिए अगर आपको बुक्स नहीं पता बेस्ट बुक्स कौन सी है, तो मैंने 3 बुक्स बता रखी है। मैंने अलग से 2 बुक्स बताई हैं एसआई के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक बुक पढ़ के एग्जाम क्लियर करना है, तो वो भी मैंने बता रखी है कि कौन सी एक बुक पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आप ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उनके लिंक जरूर चेक कर लें। और प्लीज मुझे ये बताएं कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।